लोग अलग प्यार चल रहा है हम लोग घर में, अब ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि भाई दिन भर हल्ला गुल्ला घर में खेलना कूदना, आज ये चले जाएगी फिर दो चार दिन के बाद वो भी चले जाएगी। आरु दीदी का याद आ रहा है आपको, कैसा लग रहा है? क्योंकि आरु दीदी अभी थी इसकी तो आरु दीदी के साथ खेलते रहती थी मीठी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ सवेरे सवेरे धान कुटाने और गैस भराने, क्योंकि दो काम है, पहले वो निपटा लेते हैं धूप होने से पहले। और धूप तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो ये धान वगैरह निकाल चुका हूँ क्योंकि कोई है नहीं मेरे साथ, इसलिए गाड़ी का डिक्की में डालना है और लेके जाना है। एक बोरी और लेके जा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो नहाने? जाओ रे नहाने। रख लिया हूँ मैं गैस वगैरह और अभी चलता हूँ, अकेले ही जाना है इसलिए कार लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक से ही काम हो जाता है मेरा। तो बाकी अभी चलते हैं। गाइस बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाता है धान कुटाने में, क्योंकि पूरा वहाँ का जो भूसा वगैरह होता है वो पूरा उड़ते रहता है बाल में, नाक में, सांस लो तो नाक के अंदर, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा रहता है। इसके बाद पूरा नहा जाते हैं। धान वगैरह तो कुटा लिया हूँ, कंप्लीट हो गया मेरा धान कुटाई, मेरा हालत हो गया सच में बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब ना भाई, पसीने से पूरा नहा लिया वहाँ से लग रहा है। तो अभी अब देखते हैं, गैस भी भराना है लेकिन 9:30 बज रहा है, 10:30 बजे आते हैं, कॉल करता हूँ कितने टाइम आने के हैं उन लोग का, गैस वालों का। पापा को पहले फ़ोन करते हैं, पापा बताएंगे कितना टाइम आएंगे, उसके बाद ही घर जाऊँगा, क्योंकि अभी चले जाऊँगा घर फिर आधे घंटे बाद बोलेंगे जाओ, इसलिए वेट कर लेंगे थोड़ा सा, चल जाएगा। गैस का दाम आसमान छू रहा है, पहले 500 रुपये होता था और आज 1200 रुपये लगा। गैस डला के मज़ा आ गया, ये फर्स्ट टाइम था जो इस तरीके से गैस डला, नहीं तो भाई मेहनत थोड़ा सा करना पड़ता था, गैस को उठाओ लाओ। अभी आया तो क्या सिस्टम था कि गैस FM बार बार चालू हो जाता है। तो अभी आया, जैसे उतरा गाड़ी से भैया का बोला गैस चेंज करना है भैया, गैस डलाना है, खाली गैस नीचे निकाल के रख दिया, वो लेके चला गया, नया गैस लाया और गाड़ी में डाल दिया। तो ये अच्छा था सीन, अच्छा लगा, और मेरा गैस वाला काम भी हो गया, धान वाला काम भी हो गया है। और अब जा रहा हूँ चिकन कटाने, चिकन कटाने के बाद सीधा घर, घर जाने के बाद भाई नहाना धोना है भाई। 2 किलो मुर्गा चिकन वगैरह भी ले लिए हैं और अब चलते हैं घर सीधा नहा। इतना सारा हम लोग काम करा के, हम लोग नहीं मैं आ गया हूँ, लेके चलते हैं इसको और आप मिलते हैं नहाने के बाद। मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं खाना खाने। भाई बना है चिकन, चिकन देखते तो भाई दिल में सुकून मिल जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ते से हम लोग चिकन नहीं खाए थे, आज चिकन खा के तो भाई मन तृप्त हो जाना है हम लोग का। तो ये है चिकन और सब बैठे हैं यहाँ पे खाते हैं खाना। दीदी को आज हम लोग घर छोड़ने जाएँ पेंड्रा, थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद शायद निकल सकते हैं पेंड्रा के लिए, थोड़ा रेस्ट करके। हाँ नहीं लेके जाएंगे, खाना खाएंगे आराम करेंगे उसके बाद जाएंगे, अभी खाना खाते हैं। भाई आज तो दोपहर में मस्त वाला एक नींद लिया था मैं 3 से 4 घंटा, और सो के उठने के बाद दीदी को अभी छोड़ने जा रहे हैं, मैं जाऊंगा कृष्णा भी जाएगा, तो हम लोग कार से जाएंगे और छोड़ के नाइट में वापस भी होना है। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं, ये लोग सामान वगैरह डाल रहे हैं और अब चलते हैं। चलो इन लोग का अलग प्यार चल रहा है हम लोग घर में, अब ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि भाई दिन भर हल्ला गुल्ला घर में खेलना कूदना, आज ये चले जाएंगे फिर दो चार दिन के बाद वो भी चले जाएगी, सब धीरे धीरे चले जाएंगे, हम 4 ही बज जाएंगे। पहले बाप रे, उमा करो उमा करो, वाह प्यार तुम लोग का। मौका मिले तो हम भी लगाएंगे। चल चुके हैं राम दीदी को छोड़ने जा रहे हैं अभी हम लोग, और जा रहा अपना भाई, ये स्विमिंग पूल का किंग है भाई। बहुत जंप मारा है कल, और ये रूही है सामने। अभी हम लोग का 1.5 घंटा लग जाएगा जाने में, 1.5 से 2 घंटा, अपने अपने को आना भी है जल्दी, क्योंकि नाइट ज़्यादा नाइट भी नहीं करना, 10 बजे तक ताकि आ जाए हम लोग ना। हम लोग को रोड में आने में टाइम नहीं लगा 100 किलोमीटर, उतना ही वाला गली में टाइम लगा, क्योंकि रोड वगैरह बन रहा था भाई, बार बार आगे पीछे करते करते थक गया। अब सारा सामान निकालते हैं इन लोग का, तो ये सामान वगैरह उठाते हैं और चलते हैं हम लोग। चलो भैया, भाई पहुंच चुके हैं अब फाइनली, लेकिन जितना हम लोग उसमें टाइम नहीं लगा था ना, जितना उस रास्ते में टाइम नहीं लगा, हम लोग 1.5 घंटे में आ गए, उतना इस रास्ते में टाइम लगा 2 किलोमीटर आने में। साला दिमाग खराब कर दिया था भाई, दिन रहता तो दिखाता रोड, लेकिन अब दिन है नहीं, देखते हैं अगर कल आना होगा फिर से हम लोग का। आलू चाप खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से।
छः बजे निकले थे, 8 बजे पहुँच गया। अब 8:30 बजे निकलेंगे, 10:30 बजे में घर। रुकना ही नहीं है, नॉन स्टॉप जाना हम लोग को। फिर जी को छोड़ चुके हैं और हम लोग यहाँ सब निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, घर पहुँचते हम लोग को 10:30 या 11 बज जाएगा। तो भाई आज तो अब कार में हम तीन ही हैं तो मस्ती करते जाएंगे। अभी उस टाइम थोड़ा दीदी थी तो चुपचाप वाले थे ना भाई, थोड़ी बड़ी है वो तो चुपचाप थे। अभी थोड़ा मस्ती करते जाएंगे हम लोग तीनों। चलो चलते हैं। तो गाइस आज हम लोग सुनते जा रहे हैं भाई अल्ताफ राजा का गाना। भाई मजा आ जा रहा है एकदम नाइट वाला। तो बहुत दिन के बाद ऐसा नाइट में कार में घूमना मजा आता है। थोड़ा घूमना क्या ही है, पर ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। एक नंबर चक्का, मजा आ गया ना ब्रो। हम लोग निकले थे भाई 6 बजे, भाई 200 किलोमीटर समझ लो कवर किए। 6 बजे निकले, 8 बजे के आसपास दीदी के यहाँ पहुँचे, छोड़े वहाँ, नाश्ता वगैरह किए। वहाँ से निकलते हम लोग को 8:30 प्लस ही हो गया था, 8:44 के आसपास कुछ हो गया था। और निकलने का मतलब कहीं रुके नहीं, फिर वहाँ से जिया जी के पास रुके थोड़ा सा। 9 बजे फिर निकले पेंड्रा से फाइनली। अभी 10:44 में हम लोग फिर से घर पहुँच गए। तो भाई अभी थोड़ा सा थक चुका हूँ और कल हो सकता है कि कल बिलासपुर जाने का प्लान चल रहा है, तो हो सकता है कल बिलासपुर भी जाएंगे। अभी मैं चलता हूँ फ्रेश वगैरह होने। मीठी भाई ऐसे बैठ ली है, मेरे से सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि इसको आरू दीदी का याद आ रहा है आपको? कैसा लग रहा है? क्योंकि आरू दीदी अभी थी इसकी, तो आरू दीदी के साथ खेलते रहती थी मीठी, ना ना मीठी। ठीक है, अभी फिर जाएंगे हम लोग ना जल्दी से मीठी आरू दीदी के पास। अभी तो हम लोग जाएंगे खाना खाने। क्या बना है खाने में बताओ तो? आज मीठी हम लोग की रोटी बनाई है वैसे। डिजाइन वाला रोटी ये आज। हाँ हाँ, उसको पकाने जा रही हूँ। चलो ठीक है, मीठी की रोटी पकाएंगे हम लोग और खाना खाएंगे। पकाएंगे? हाँ भाई, बाबू पकाएगी, हम लोग नहीं पकाएंगे। ठीक, अब कैसे बैठे हो मेरे साथ तुम? तो वो ना हम लोग को जो डिजाइन वाली रोटी है ना, उसमें हम लोग को रस डाल के पीसेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ना उसको वॉश करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसको चाकू से काटेंगे। फिर उसके बाद मैं खा लेंगे इसके। नहीं तो पका के खाते हैं। अरे यार, मैं तो बिना पकाए खा दे रहा था। चलो पकाएंगे उसके बाद खाएंगे। ठीक गाइस, हम लोग का खाना निकल चुका है और अभी खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। ना हो गया हम लोग का, और अब भाई थोड़ा सा नींद आ रहा है तो जल्दी सोना है, क्योंकि सवेरे उठ के फिर बिलासपुर निकलना है। अभी मैं जाता हूँ सोने। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वैसे आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।